है तो पैसिव बायस में मूल चीजें क्या हैं, जो पॉइंट हमें नोट करनी चाहिए वो कौन सी हैं, उनको रिमाइंड करो। भाई देखो, हम पेपर सेट हल कर रहे हैं, पेपर सेट हल करने का मतलब होता है कि हमें उससे रिलेटेड सारे रूल्स आने चाहिए, और उनसे रिलेटेड कोई रूल्स छूट रहा है तो उसको हमको बार बार रिमाइंड करना चाहिए। तो सबसे पहले और कुछ मुख्य बिंदु हैं जो जरूर दिमाग में होनी चाहिए, जैसे पैसिव वॉयस का मुख्य बिंदु क्या है। तो एक्टिव वॉयस में हमेशा जो सेंटेंस है वो सब्जेक्ट से शुरू होता है, पैसिव वॉयस का जो सेंटेंस बनेगा वो ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। पहली पॉइंट तो ये हो गई। दूसरी पॉइंट ये होती है कि जब भी पैसिव वॉयस बन रहा हो तो किसी भी टेंस का ही होगा, तो जिस टेंस का एक्टिव वॉयस से पैसिव वॉयस बना रहे हैं उस टेंस की टू बी की क्रिया जरूर होती है। तीसरी पॉइंट ये है कि किसी भी टेंस में एक्टिव वॉयस हो, जब पैसिव वॉयस बनाते हैं तो उसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब की प्रयोग की जाती है, यानी वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगेगा। और चौथी पॉइंट ये है कि सब्जेक्ट यदि कोई है जो डूअर यानी इम्पॉर्टेंट एजेंट है तब तो उसको बाई के बाद लगाते हैं, अनइम्पॉर्टेंट एजेंट में है जिसका सब्जेक्ट वाक्य के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा हो तो उसको हम बाई के बाद नहीं भी लगाते हैं। और एक मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो बाई का प्रयोग करके हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो सारी क्रियाओं के साथ नहीं होता है, जहां गलती होने के चांस है उस पर फोकस करोगे तो हम पैसिव वॉयस को एक कॉमन जो है उसमें सिम्पटम में क्या देखते हैं कि बाई के साथ सब्जेक्ट लगा देते हैं, बाई सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लगा देते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनके साथ बाई के स्थान पर क्या लगता है, टू, फार, एट, इन, इनटू, ये प्रीपोजिशन फॉलोड होते हैं, यानी वर्ब के साथ ही लगता है। जैसे नोन के साथ टू लगता है, ओब्लाइग्ड के साथ ओब्लाइग टू लगता है, इंटरेस्टेड के साथ इन लगता है ना। तो ऐसे ही सरप्राइज्ड के साथ एट लगता है, प्लीज्ड के साथ विथ लगता है। यानी अब ये बाई क्या है, बाई इज ए प्रीपोजिशन विच विल बी यूज अकॉर्डिंग टू इट्स रिलेटिव वर्ब, वर्ब के रिलेटिव के अनुसार ही लगेगा वो। अब वो रिलेशन देखना पड़ेगा, इसीलिए कुछ वर्ब ऐसे हैं, अभी आप प्रीपोजिशन की एक लिस्ट देखेंगे तो उसमें वर्ब के साथ फॉलोड किए गए प्रीपोजिशंस अलग से लिखे जाते हैं। कुछ वर्ड भी ऐसे, वर्ब ही नहीं, कुछ वर्ड जैसे नाउन है, एडजेक्टिव है, कोई भी ऐसा शब्द है जिसके साथ उसका रिलेटेड जो प्रीपोजिशन है वो वही प्रयोग होता है। जैसे फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, मेड ऑफ। अब जैसे मेड है, मेड के साथ ऑफ भी लगता है, मेड के साथ इन भी लगता है। किसी जगह पर बना है तो मेड इन, और किसी चीज से बना है तो मेड ऑफ। ये प्रीपोजिशन का ये एक लंबा शेड्यूल है जिसको सिंटैक्स में फिर पढ़ने वाले हैं। सिंटैक्स इसीलिए सारे पार्ट्स को कवर करेगा। अभी आप जितना ग्रामर पढ़े हैं उन सब को रिवीजन करवाने का एक चैप्टर है सिंटैक्स, इसलिए आप ग्रामर के सारे नियमों को दिमाग में रखे रहिए, उसके बाद सिंटैक्स पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आएगी ये प्रीपोजिशन। अब ये भी गलती होगी कि नहीं होगी कि हम इंटरेस्टेड के साथ बाई लगाकर बना दिए पैसिव वॉयस, तो इंटरेस्टेड के साथ इन लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये पॉइंट ध्यान देनी है। उसके बाद पैसिव वॉयस तो कोई भी होगा बनेगा, क्योंकि इसमें तो ऑब्जेक्ट दिख रहा है। ग्रेट मैन एकम्प्लिस ग्रेट थिंग्स, यानी ग्रेट थिंग्स ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हम ले लेंगे, हो जाएगा ग्रेट थिंग्स। अब ये टेंस कौन सा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें हमारी टू बी की क्रिया लगेगी, आर एकम्प्लिस्ड बाय ग्रेट मैन। ठीक है,